अज्ञात समाज कंटकों ने दर्जनों खड़े वाहनों के शीशे तोड़े, मामला दर्ज। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत नयाबास बीच गोदाम पर अज्ञात बदमाशों ने दर्जन भर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं कार पीड़ित युवक ललित सैनी ने बताया कि मेरे पिताजी कुत्ते को घुमाने बाहर गए हुए थे। उन्होंने बताया कि बाहर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। इस घटना की जानकारी करने के लिए सीसीटीवी कैमरे में चेक किया गया तो कैमरे में करीब आधा दर्जन से अधिक युवकों ने वीडियो बनाते हुए शीशे तोड़े और गाड़ियों में से सामान निकाल ले गए। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने दो युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पीड़ितों का कहना है कि शीशे युवकों ने चोरी करने के लिए तोड़े थे। पीड़ित का कहना है कि एक दर्जन से अधिक गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। पीड़ित की गाड़ी में से एक लैपटॉप व 50,000 नकदी चोरी की गई। इस पूरे मामले में जिसने शीशे तोड़े थे उसमें एक युवक का कहना है कि मेरे दोस्तों ने शराब के नशे में ये वारदात की है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने दो युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रात को क्या घटना रखी जो तुमने शीशे तोड़े? क्या मेरे साथ के थे जिन्होंने शीशे तोड़े, वो मेरे पास आए थे मिलने, पीछे मैं किसी में रहता हूँ, तो मतलब दो मेरे गांव के थे और जो मतलब जानता हूँ उनको दोस्त थे, वो मेरे पास आए, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, वो मेरे पास आए तो मैं मेरे दोस्त वो वाला, क्या नाम है उसका, सचिन, तो वो हमारे पास आई, उन्होंने ड्रिंक करी, मैंने पूछा क्यों आए थे, उन्होंने ऐसे मिलने आए थे, तो थोड़ी देर बैठे मेरे पास आधा घंटा, फिर वो चले गए, तो ऐसे बोले मेरे को छोड़ गया, मैंने बोला चल ठीक है, वो बोल तो सर्किल तक करे थे, मैं सर्किल तक छोड़ गया, मैं ठीक है मैं चल रहा हूँ। जब भी मैं शॉर्ट शॉर्ट्स में बाहर आया था तो वो आए, जैसे वो गली से बाहर आए ना यहाँ पे, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो उनके हाथ में बेसबॉल का डंडा था, मैंने पूछा डंडा क्यों, रात को ऐसे ले रखा, तो उन्होंने जैसे हम दो लड़के साइड में बात कर रहे थे खड़े होके, और एक ने अचानक शीशा बेसबॉल के डंडे से शीशा फोड़ दिया, और जैसे उसने शीशा फोड़ा ना तो मैं यार ये तो भक्के आ गए ट्रक की वजह से, और बाकी वो आगे निकल गए। क्या नाम है उनके, कितने लोग थे? किसके, जिन्होंने शीशे फोड़े, विशाल, चीकू, चिन्नू और वीरेंद्र, टोटल चार लोग थे और एक नितेश मेरे गांव में, पांच लोग। इससे पहले भी कहीं पे तोड़े थे? आगे फोड़े होंगे, इस साइड तो नहीं पता, मैं यहाँ 15 तारीख से रहने लगा हूँ। क्या कैमरा भी तोड़ा है ना? नहीं कैमरा का नहीं पता। ये एक्चुअली क्या था कि सुबह मेरे फादर डॉगी घुमाने गए थे बाहर, तो मेरी गाड़ी एस्क्रॉस, एक गाड़ी मेरे चचेरे भाई की है स्विफ्ट, ये बाहर खड़ी हुई थी, उनके शीशे टूटे हुए थे, उन्होंने मेरे को आवाज़ दी कि बोलो भाई गाड़ी के शीशे टूट गए। मैं बाहर गया तो हमारे चाचा जी का कैमरा लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा, वहाँ से मैंने क्लिप मंगवाई तो पता लगा कि 8-10 लड़के थे जिन्होंने वीडियो बनाते हुए शीशे तोड़े और सामान गाड़ी में से निकाल लिया। उसके बाद फिर ये सीधे भागे सर्कल की तरफ, मनमार सर्कल की तरफ, ज्योतिरा फुले सर्कल की तरफ, वहाँ से फिर हम लोग आगे गए तो दो गाड़ियों के शीशे और टूटे हुए थे, वो भी हमारे परिवार की गाड़ियाँ दोनों। तो वहाँ से फिर हम लोग सुबह 6 बजे के आसपास हम लोगों ने गली में जा करके देखा, गली में एक कैमरा और लगा हुआ था गिराज चौधरी जी का, वहाँ से पता लगा ये 8-10 लड़के थे जो आए थे। फिर हम उस जगह पे गए जहाँ से ये घूमे थे, वहाँ पे आए कृष्णा पीजी, वहाँ पे दो लड़के मिले, एक तो अभिषेक नाम का है और एक दूसरा लड़का भी है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे साथ में आए थे, मैंने उनको बाहर तक छोड़ा था, उन्होंने शीशे तोड़े, बेसबॉल का डंडा था उनके आवाज़ में, तोड़ने के बाद में उन्होंने सामान उमान भी निकाला, फिर बोलो मैं डर के वजह से मैं पीछे भाग गया। अब मैं उनको वो स्कीम दो में रहते बताए, अभी हम लोग उनको थाने लेकर के जा रहे हैं। ये भी बताया मजे में थोड़े वीडियो बनाने के लिए और चोरी करने के लिए। और यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर पीजे इतने गंदे चल रहे हैं कि पूरी रात यहाँ पे लड़के परेशान करते हैं, प्रशासन के नाम से कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से निकलना दुब्बर है। लगभग वैसे हमारे यहाँ तो अभी लगभग 5-6 तोड़ी है, हो सकता है और भी जगह तोड़ी हो, क्योंकि पीछे से भी गाड़ियाँ भी चोरी हुई है, जो पीछे जो पीजी के पास जो मकान बने हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारी मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। गाड़ी में तो टीम के सामान भी चोरी हुए हैं। हाँ, एक में लैपटॉप था और मेरी गाड़ी के अंदर लगभग 50,000 रुपये कैश था। क्या शुभ नाम है? हाँ जी, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम ललित सैनी है।